पहले तो आप सारे भाइयों को मेरा नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों का। फेसबुक पेज पे काम करते हो, प्रोफाइल पे काम करते हो भाई, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू से बहुत ज़्यादा परेशान हो भाई, इसको हटा नहीं पा रहे हो। बहुत बहुत आप लोगों ने कोशिश कर ली, बहुत क्रिएटरों से बात कर ली, हर चीज़ करके देख लिया आपने, लेकिन आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हट नहीं रहा है भाई। आपके 5000 फॉलोअर कंप्लीट है, 60000 मिनट कंप्लीट है, आपका एलिजिबल कंट्री भी ठीक ठाक है, लेकिन आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आपका हट नहीं रहा है, आपको सेटअप का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा भाई, उंगली टेढ़ी करो। अब देखो, अगर पेज पे नहीं भी हो पा रहा ना, तो आपको एक काम मैं ऐसा बताऊंगा जहाँ पे आपको आराम से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू का आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। उस पर मैंने बकायदे एक वीडियो बनाई है स्क्रीन रिकॉर्ड करके, वो आप देखो, देख करके फिर यहाँ आओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और पेज पे अगर आपकी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ रहा ना, तो उसको आप कैसे हटाओगे भाई, ऐसे चुटकियों में हट जाएगा, एक दिन के अंदर हटेगा, मैं बोल रहा हूँ एक दिन के अंदर हटेगा भाई। पहले आप इस स्क्रीन रिकॉर्डर को देख करके आओ, उसके बाद मुझसे मिलो, फिर बात करते हैं, ठीक है, जाओ। देखो भाई, सबको मेरा नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू से बहुत परेशान हो आप लोग ना, आप लोग के पेज पे मैक्सिमम पेजेस पे भाई कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ और आप कैसे उसको मतलब एक वो दूसरा प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर भी दिखा दूंगा आपको कैसे ठीक करना है इसको। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको फेसबुक वाला आइकन पे ले चलता हूँ और मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे ठीक करना है। ये मेरा पेज है, देख रहे हो ना, ये मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए जो पेज बना रखा है, देख इसको फॉलो कर लेना यार, आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो भाई, इसको फॉलो कर लो भाई। आज 5000 करा दो, एक दो दिन में करा दो, आप लोगों को बहुत चीज़ें दिखाऊंगा मैं। देखो ये डैशबोर्ड देख रहे हो ना यहाँ पे, अब छोटी मोटी चीज़ें तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि भाई टाइम लाइन क्या होता है। डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है ना, इस पर मैंने कर दिया क्लिक और ये इसको करते हैं वहाँ पे मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन पे चलते हैं। ये देखो मोनेटाइजेशन का सेक्शन आ रहा है, इस पर कर देंगे क्लिक, ठीक है भाई। ये पेज है, मैं आपको बैक करके दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को बोनस का ऑप्शन मिला हुआ है, आप लोग रोते रहते हो ना कि यार बोनस का ऑप्शन नहीं मिला, देख लो कोई रीच रूच बहुत ज़्यादा नहीं है इधर, देखो मैं आपको दिखा दूंगा, चलो अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा आप लोग। यहाँ पे इन स्ट्रीम ऐड देख रहे हो ना, ये वाला, ये देखो ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू, इस पर आ रखी है ना, आप लोगों ने देख लिया आया हुआ है, इसको ऐसे चुटकियों में ठीक कर दूंगा मैं, पर अभी बताऊंगा, रुक जाओ, अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप ही लोगों को सिखाने के लिए मैंने प्रोफाइल भी बना रखी थी, जिसमें ये सब इन पेजों पे ध्यान मत देना भाइयों, ये प्रोफाइल है, इस पे ले चलता हूँ आप लोगों को। और देखो आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये यहाँ से किया क्लिक और ये इस पे कर दिया क्लिक और नीचे आए मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में चले, ठीक है भाई, यहाँ आ गए। और ये देखो जादू दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ देख रहे हो ना इन स्ट्रीम ऐड, ये बस समझने के लिए, आप लोग को समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी देखो ये भी सही है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू भी सही है और 5000 फॉलोअर भी कंप्लीट है, बट इसका वो भी ये क्राइटेरिया ये वाला कंप्लीट नहीं है, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाता इस पे, तो अब थोड़ी मोड़ी डाल रहा हूँ, कभी कभी डाल देता हूँ कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या था, ये प्रोफाइल है, पढ़ भी लेना, तो कई लोग बोलेंगे यार पेज को प्रोफाइल बना के दिखा रही है, तो कोई प्रोफाइल है, ठीक है ना। डिजिटल क्रिएटर मेरा फेवरेट है भाई, और वो जो था ना जो मैंने आपको दिखाया था पिछला वाला, वो फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये पेज है, ठीक है ब्रदर, देख लो। बाकियों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को भाई, ज़्यादा ध्यान दोगे माथा खराब होगा, कोई और मतलब निकलेगा नहीं उससे। ये है पेज जिसमें हमको दिखा रहा था कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू, डैशबोर्ड पे गए और देख लो ये रीच देख लो कितनी है, कुछ है रीच नहीं है ना, बोनस मिला हुआ है फिर भी ना मेरे को, और ये इस पेज पे कोई काम नहीं, बस मैं अपनी रैंडम वीडियोस अपलोड कर देता हूँ इस पर किया जो, और जो मैंने बताया था आप लोगों की बोनस भाई ऐसे मिलेगा, उसी तरह मिला है बोनस इन स्ट्रीम ऐड पे। यहाँ पे देख लो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है, इसको मैं आपको ठीक करके बताऊंगा कैसे ठीक करना है इसको, ठीक है। तो आ जाओ कैमरे पे आ जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है भाइयों, चलो ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, आपके समझ में आया होगा कुछ तो कुछ, जो थोड़े मोड़े दिमाग के तेज लोग होंगे उनको समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ पे मैं समझाना ये चाहता हूँ आपसे भाई कि अगर आप प्रोफाइल पे अपने अच्छा काम करते हो, मैंने आपको एक प्रोफाइल दिखाई, एक पेज दिखाया, पेज पे भी काम हो रहा है, प्रोफाइल पे भी काम हो रहा है, उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, प्रोफाइल पे भी उतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पेज पे भी उतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है जिसको मैं ठीक भी करता हूँ, फिर दोबारा आ जाता है, फिर ठीक करता हूँ, फिर दोबारा आ जाता है, बट प्रोफाइल पे निरंतर पड़ा हुआ है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आप अगर पेज पर परेशान हो चुके हो, आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू नहीं हट रहा है, आपने प्रोफाइल पर शिफ्ट कर जाओ। आप सारे मोनेटाइजेशन टूल प्रोफाइल पे भी हैं, एड्स ऑन रील भी प्रोफाइल पे मिल जाएगा आपको, बोनस प्रोग्राम भी आपको प्रोफाइल पे मिल जाएगा,
आपको भाई इंस्ट्री में एड भी प्रोफाइल पे मिल जाएगा, आपको सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लाइव एड का नहीं शो कर रहा भाई तो उसका मैं नहीं बता पाऊंगा, लाइव एड इस समय नहीं शो कर रहा है प्रोफाइल पे, तो प्रोफाइल समझ में आ रही है ना, आईडी, तो आप आईडी पे शिफ्ट हो जाओ भैया। उंगली टेढ़ी करो, पेज के चक्कर में रहोगे कि यार हमने 10 पेज बना लिए, हमने 15 पेज बना लिए, भाई ठीक ही नहीं हो रहा। अभी बताऊंगा पेज पे भी ठीक करने का तरीका बताऊंगा, सुन के जाना भाई, छोड़ के भागना नहीं। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दूं आप लोगों से, यार मैंने वीडियो पूरा शुरू से अंत कर दिया, एक बात बोला नहीं, चलो बाद में बोलूंगा उस चीज़ को। हाँ तो भाई पेज पे भी ठीक करने का तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बोल दूं मैं कि अगर आप लोग काफी दिन से परेशान है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू को लेकर के, और आपको ये लगता है कि भाई हम पेज से ही पैसा कमा सकते हैं सिर्फ, अबे हॉर्न बंद कर यार, इतना तेज बजा रहा है कि यहाँ तक आवाज आ रही है। अगर आपके मन में ये लगता है ना कि हम पेज से ही पैसा कमा सकते हैं, प्रोफाइल अपनी आईडी से पैसा नहीं कमा सकते, प्रोफाइल मतलब आईडी की बात कर रहा हूँ, उससे पैसा नहीं कमा सकते, तो आप फिर आप मतलब थोड़ी कमी है नॉलेज की आपको। आप प्रोफाइल से भी उतना ही पैसा कमा सकते हो जितना आप पेज से कमा सकते हो भाई। आपको कमाने के लिए सिर्फ एक पेज या एक प्रोफाइल ही सफिशियंट है। अगर एक प्रोफाइल पे भी अगर आप ढंग से काम कर जाते हो ना भाई, तो आप 10 पेज के बराबर काम कर लोगे, बात समझ रहे हो ना। तो अगर प्रोफाइल पे आप काफी दिन से परेशान हो, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ ही रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, 2 महीना हो गया 3 महीना हो गया, तो भाई प्रोफाइल पे शिफ्ट कर जाओ और वहां पे काम करना चालू करो, आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू का प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, प्रोफाइल पे जल्दी नहीं आ रहा है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू, मोस्टली पेजेस पे आ रहा है। अब आते हैं पेज पर, ठीक है ना। थोड़ी मेरी दाढ़ी मूछ को देख करके आप लोग भाई वो बस सोचना, अभी ग्रूमिंग टाइम है, मैं करवा लूंगा, काला वाला करवा लूंगा, थोड़े कटवा दूंगा। तो अब आते हैं पेज पर भाई, पेज पर हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। मान लो कई लोग हो गए आप लोग कि भाई सब कुछ सही है, हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट है, एवरीथिंग, 5000 फॉलोअर्स, 8000 मिनट, सब कुछ हमने कंप्लीट करके रख दिया हुआ है, उसके बाद भी भाई ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हट नहीं रहा है। मैंने एक वीडियो में बोला था आप लोगों से भाई, कुछ नहीं करना है आपको, दो काम कर सकते हो, या तो आप मेटा वेरीफाइड का बैच ले लो, मेटा वेरीफाइड का बैच समझते हो ना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फेसबुक आपसे कुछ महीने का चार्ज लेता है, उसके बाद आपको ब्लू टिक दे देता है, वहां से आप फिर उनसे बात करके सपोर्ट टीम से उसको ठीक कर सकते हो। दूसरा आसान तरीका, आप ऐड रन कर लो। ऐड रन का मतलब जैसे आप कोई पोस्ट करते हो ना, उसके नीचे लिखा रहता है ना बूस्ट पोस्ट, बूस्ट योर पोस्ट, वो लिखा रहता है ना भाई, या तो आप उस तरह अपने किसी पोस्ट को बूस्ट कर दो, 200-500 रुपये खर्च होगा, आप वहां से जाके पोस्ट को बूस्ट करोगे और 2-4 दिन 5 दिन के लिए कर दो। जैसे मान लो आपने 400 रुपये लगा दिया, 500 रुपये लगा दिया उसमें, भाई देखो ज़्यादा मत करना यार ये, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत पैसा फंसाओ उसमें, 200-300-400 में आप तुम्हारा काम चल जाएगा, किसी एक दो वीडियो को, एक दो पोस्ट को बूस्ट मार दो, बूस्ट मार दो भाई, अपने आप आपका जहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू लिखा हुआ ना वो ब्लू हो जाएगा। अभी उसे कट कर दिखा रहा ना, वो ब्लू हो जाएगा भाई, तब आप कहोगे प्रशांत भाई यार ये तो सही है, काम कर गया भाई। लेकिन ना इसका भरोसा मत करना है, काफ़ी दिन तक रहता नहीं है, फिर कुछ दिन बाद हट भी जाता है भाई, मैंने 2-3 बार करके देखा है, आ जाता है, बट कुछ दिन बाद हट भी जाता है। तो मेरे वाले का इसका तो जो ये वाला पेज है, इस पे तो मेरा भी क्राइटेरिया कंप्लीट है नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता नहीं है, और मैं इस पेज को मैंने सिर्फ सिखाने के लिए बना रखा है भाई, उस प्रोफाइल को भी सिर्फ सिखाने के लिए बना रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा। और जो आप लोगों ने पेजेस देखे वो सब एक्सपेरिमेंटल पेजेस हैं, समझ रहे हो, उसमें एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि भाई साहब ऐड रन कर लो, जो सिंपल एंड ईजी तरीका है, बट अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट है उस समय आप ऐड रन करोगे तो आपका जैसे ही वो ब्लू होता है तुरंत आपको सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा इन स्ट्रीम ऐड का, ठीक है ना, सेटअप में भेज दो, मोनेटाइज कर लो, चिंता खत्म, समझ रहे हो भाई, पूरी फुल टू चिंता आपकी खत्म, तुरंत आपका मोनेटाइज हो जाएगा इन स्ट्रीम ऐड और आपका चिंता खत्म हो जाएगा भाई, पैसे कमाओ, ठीक है ना। और ये मत आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है, सर हमने ये कर रखा था, हमने वो कर रखा था, रिव्यू में फंस गया, फिर भाई वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की, तो बाद में ये कोई नहीं कहेगा सर हमारा रिव्यू में फंसा हुआ है, 15 दिन हो गया सर, 20 दिन, गलती करते हो तभी रिव्यू में फंसता है मेरे भाई, और लोगों को क्यों नहीं फंस रहा है, ऐसे मोनेटाइज होता है सही पेज, ऐसे मोनेटाइज होते हैं ऐसे, सर दोनों तरीका समझ गए। या तो पेज को भाई करो स्किप, या तो कर दो पेज को स्किप, आ जाओ प्रोफाइल पे, सिंपल। मैं तो ये जानता हूँ भाई, मैंने अपना एक प्रोफाइल तो मतलब ये प्रोफाइल तो अपना सेव बना हुआ है जिस पे काम होता रहता है, ये प्रोफाइल भी अपना सेव बना हुआ है इस पे भी काम होता रहता है, इस पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी से कोई दिक्कत ही नहीं आती है, पेजेस पे आती है। पेजेस का तरीका मैंने आपको बता दिया, या तो मेटा वेरीफाइड कर लो या तो ऐड रन कर लो उस पे, सिंपल। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी पता लगे कि कैसे वो अपना कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी से हटा सकते हैं। बाकी आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, सजेशन चाहिए, सलाह चाहिए, हाँ पेज ग्रो नहीं कर रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम फलाना प्रॉब्लम, ये वायलेशन वो वायलेशन, देखो भाई मैं ठीक तो नहीं करता हूँ कोई चीज़, मैं ठीक नहीं करता हूँ, सही बता रहा हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं देता मैं ना कुछ, मैं ठीक करता हूँ, मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, उसका फीस चार्ज करता हूँ भाई। अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तभी आना, वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, बस यही है।
बाकी हेटरों को भी नमस्कार और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।